हेलो जी, सत श्री अकाल सारियां नू। अज दी जिहड़ी मैं लुक तुहाडे नाल शेयर करन जा रही हां जी, इह ब्लैक सूट नाल मैं ब्लैक स्मोकी आईज लुक है जिहड़ी क्रिएट कीती है। बहुत सोहणी लुक है जी, ते बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है इस लुक नू क्रिएट करन ते। चलो जी, फिर आपां तुहानू दसदे हां वी लुक किवें क्रिएट करनी है। सो सब तो पहला फेस नू जिहड़ा चंगी तरह वॉश कर लेना है जी। ये तुहानू सारयां नू पता है वी मेकअप करन तो पहला फेस है जिहड़ा चंगी तरह क्लीन होना चाहिए। इहदे लई मैनू काजल चाहिए स्मोकी आईज बनाउण वास्ते। सो मैं लैकमी का काजल लैता है। इहदे लई कंसीलर चाहिए, मेरा कंसीलर बहुत पुराना जिहदी कि बहुत खस्ता हालत हो चुकी है, ते ये स्टिक वाला कंसीलर है जो कि मेरे कोल बहुत साल पुराना गा। सो इहनू आईज़ दे उपर है जिहड़ा मैं पहला सब तो पहला आई मेकअप ही स्टार्ट करूँगी करना, तो मैं आईज़ नू जिहड़ा कंसील करूँगी इस तरह कंसीलर है जिहड़ा दोनों आईज़ के उपर लगा लूँगी। सो जदों भी आपां आई मेकअप करते हैं जी, आईज़ नू जिहड़ा कंसीलर की मदद नाल सैट करना बहुत जरूरी हुंदा है। जां तुसीं प्राइमर नाल सैट कर सकते हो, बट कंसीलर अपने सारयां कोल ही हुंदा। सो कंसीलर नाल ईजीली तुसीं सैट कर सकते हो। ब्यूटी ब्लैंडर की मदद नाल मैं कंसीलर नू जिहड़ा आईज़ के उपर सैट कर लिया। कंपैक्ट पाउडर नाल मैं कंसीलर नू सैट कर लिया। नैक्सट मैं इत्थे लैती है डॉक्टर टेप, तुसी कोई भी टेप है जी लै सकते हो। सो इस तरह ये थोड़े थोड़े पीस ये दो कट गए, तो आप आईज़ के उपर इस तरह साइडा पर लगा लेंगे, क्योंकि आप काजल की मदद ना जो बेस बनावे स्मोकी आई का। सो काजल इधर उधर ना फैले, इस करके जी आप टेप लगावे तो अपना जोड़ा आई शैडो है आई मेकअप है चंकी तरह बहुत ही क्लीन बन जाए, क्लीन जहा मेकअप हो जाए। सो नैक्सट मैं एक आई तो है जो अपनी एक अख पर मेकअप करूँगी। इस तरह तुम काजल है जो लै लेना जो भी थोड़े को काजल हैगा। सो इतने मेरे को लैकमी का काजल है, तो मैं इस तरह हल्के हल्के डॉट्स लगाऊंगी काजल के, सिर्फ अपनी आईलेट के उपर इस तरह बेस बनावे आप काजल ना। सो आप ब्लैक स्मोकी आई बना रहे हैं इसलिए आप ब्लैक काजल ही लवेंगे। सो इस तरह मैं एक आई के उपर जरा बेस बना लिया। नैक्सट मैं इस तरह का बिल्कुल जरा ब्रीक वाला फ्लैट ब्रश लै लूँगी। ब्रीक फ्लैट ब्रश की मदद ना मैं चंगी तरह जरा इस तरह आईलेट के उपर है काजल नू लगा लूँगी, एक स्मूथ या बेस बना लूँगी। सो नैक्सट मैं लूँगी अपनी पुरानी पैलेट, ये मैं ब्लैक कलर लूँगी। थोड़ा जहा शिमरी कलर है बट ये मैट कलर वांगू ही हैगा। सो नैक्सट मैं फ्लैट ब्रश लूँगी, तो ये वाला मैट कलर है जिहड़ा इस तरह मैं जिहड़ा काजल लगाया से अपने आई के उपर उन्हूं सैट कर लिया इस ब्रश की मदद ना। नैक्सट मैं ब्लैंडिंग ब्रश लूँगी, तो मैं काजल नूं ते जिहड़ा मैं आई शैडो लैता ब्लैक कलर का उन्हां दोनों नूं जिहड़ा ब्लैंड कर लूँ चंगी तरह आई के उपर। नैक्सट मैं शिमर वाला कलर यूज़ करूँगी, ये मैं फिंगर की मदद ना अपनी आई के उपर लगाऊँगी। सो ये आपां बाद विच जिहड़ा लगावांगे, सब तो पहला जिहड़ा आपां कलर लवांगे कोई भी ट्रांजिशन कलर जिहड़ा आपां लाइट या लैने, इत्थे मैं ये वाला कलर यूज़ करदी हाँ। ब्लैंडिंग ब्रश की मदद ना मैं क्रीज़ के उपर है जिहड़ा इहनू ब्लैंड करूँगी इस तरह चंगी तरह। देखो जिथे आपां काजल लगाया सी ते ब्लैक आई शैडो लगाया सी उत्थे आपां ये वाला कलर नहीं ब्लैंड करना, उस तो उपर जिहड़ी अपनी आई एरिया हो जांदा अख का जिहड़ा हिस्सा हो जांदा उपर जिहनू आपां क्रीज़ कह दिंदे, जिस तरह मैं इत्थे ब्लैंड कर रही हाँ। इस तरह तुसीं चंगी तरह ब्लैंडिंग ब्रश की मदद नाल ब्लैंड कर लेना। सो नैक्सट आपां इहदे उपर दोबारा तो फिर उही ब्लैक आई शैडो लगावांगे तां जो अपना थोड़ा जिहा डार्क लगे जिहड़ा आई शैडो। नैक्सट मैं फिंगर की मदद नाल जिहड़ा मेरे कोल शिमर वाला ब्लैक आई शैडो है, ये ज़्यादा ब्लैक भी है नहीं गा, दो मेरे कोल कलर सीगे। सो मैं क्या भी यह सोहना लगेगा, इस करके मैं ये कलर है जिहड़ा लाइट या ब्लैक है शिमर वाला इहनू यूज़ करूँगी। मैं तो मैनू थोड़ा जिहा लाइट लग रहा मेरी आई के उपर, पहला मैं ब्लैंड कर लूँगी ब्लैंडिंग ब्रश की मदद नाल। इहनू फिंगर की मदद नाल मैं लगा लिया सी शिमर वाले कलर नूं, हुण मैनू ब्लैंड कर लूँगी। नैक्सट मैं दोनों आईज़ नू सैट कर लिया। मैनू थोड़ा जिहा कलर लाइट लग रहा सीगा जो मैं शिमर वाला आई शैडो लगाया, फिर जिहड़ा मैं सब तो पहला काजल के उपर है जिहड़ा कलर लगाया सी आई शैडो का बिल्कुल मैट ब्लैक, वह थोड़ा थोड़ा उपर लगा के फिर शिमर वाला कलर लगा लिया। बाकी जिवें तुहानू एडजस्टमेंट लगती है तुम्हें तुसीं है जिहड़ा उवें अपने कलर नू थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकते हो। नैक्सट मैं ये न्यू आईलाइनर लैता, मैं तुहानू कल वाली वीडियो दस्सिया सी मेरे कोल आईलाइनर जिहड़ा खत्म हो गया सी पुराना। सो ये स्कैच वाला ही आईलाइनर लैता मैं, बहुत ही वधिया आईलाइनर है। सो मैं इस तरह अपनी आईज़ के उपर आईलाइनर लगा लूँगी, बिल्कुल मोटे वाला आईलाइनर मैं लगाऊंगी, ब्रीक वाला आईलाइनर बिल्कुल भी सोहना नहीं लगता। आईज़ मेकअप अपना हो गया जी कंप्लीट, हुण आपां टेप नू हटा देंगे। अपनी जिहड़ी आईब्रोज़ आ उन्हां नू भी सैट करन वाला रह गया। सो देखो आपां टेप लगाई सी ते उन्नी उन्नी जगह च जिहड़ा मेकअप बहुत वधिया हो गया अपना आई मेकअप। तो इधर हर्फ हस रहा सीगा क्योंकि मैं पहली बार है जिहड़ा ये स्मोकी आई वाला मेकअप किया, हर्फ देख रहा सी मम्मा है किस तरह का मेकअप करी जाती अज। सो नैक्सट है जिहड़ा मैं हुण काजल का यूज़ करूँगी। ये मैं काजल जिवें आपां लगाउने आईज़ के उपर उस तरह नहीं लगा रहे, सब तो पहला मैं काजल नूं जिहड़ा इस तरह
ਸਮਝ ਕਰੂੰਗੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਫੈਕਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਦੀ ਤਰਫ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਂਗੀ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਕਰਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੋਰਮਲ ਆਈ ਕਾਜਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਜਲ ਲਗਾਉਂਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਫ ਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਂਗੀ ਮੈਂ, ਸਿਰਫ ਅੱਧੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਾਜਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਮੋਟਾ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ, ਅਤੇ ਬਰੀਕ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲਗਾਉਂਗੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਜਿੰਗ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਲੈ ਲਿਆ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਈਜ਼ੀਲੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੋਪ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਜਿੰਗ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਕਅਪ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਜਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝ ਕਰੂੰਗੀ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮੋਟੀ ਮੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾ ਲੂੰਗੀ ਮੈਂ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਨੀਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਦੋਨੋਂ ਆਈਜ਼ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਲਊਂਗੀ, ਉਸ ਫਲੈਟ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਲੈਕ ਕਾਜਲ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਤੇ ਸਿਮਰ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਕਰੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਲਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ ਕਲਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਰ ਦਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ। ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲਰ ਲੈ ਕੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਟੈਪ ਕਰਕੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਝਾੜ ਦੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਆਈਜ਼ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ। ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਲਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਕਲਰ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਟ ਜਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕਾਜਲ ਪਾ ਲੂੰਗੀ ਦੋਨੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਰੈਡੀ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਮੇਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਲੋਸ਼ਨ ਲਊਂਗੀ ਅਜੋਨ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਦੀ ਕਿਹੜਾ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਸੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਅਜੋਨ ਦਾ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਮਰ ਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਦਿੰਦਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂਗੋ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਸ਼ੀਆ ਬਟਰ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਡੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਾਜੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਲਗਾ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਫਰੈਗਰੈਂਸ ਜਿਹੜੀ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਇਸਚਰਾਈਜ਼ਰ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੇਵਰੇਟ ਮੇਬਲੀਨ ਦੇ ਫਿੱਟਮੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਲਊਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਲਗਾ ਲੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਨੂੰ ਡੋਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੂੰਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਪੰਜ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਆਈ ਸ਼ੈਡੋ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਾਊਡਰ ਜਾਂ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਲੈ ਲੂੰਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਫਟ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਾਂ ਝਾੜ ਦਈਏ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਕੰਪੈਕਟ ਪਾਊਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸੋ ਮੈਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੂੰਗੀ ਪਾਊਡਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਨੈਕਸਟ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਲੈ ਲੂੰਗੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਂ ਕੰਟਿਓਰ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਫੇਸ 'ਤੇ ਅਤੇ ਬਲੱਸ਼ ਲਗਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਲਟ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਵਿਚਾਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੀ ਕੰਟਿਓਰਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਆਪਾਂ ਸਟਿੱਕ ਵਾਲਾ ਕੁਛ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ, ਅਤੇ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕੰਟਿਓਰ ਕਰੂੰਗੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਡਰਾਅ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿਕਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਏਰੀਆ ਵਾਲਾਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਗਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲੁੱਕ ਲੱਗੇ ਮੇਕਅਪ ਦੀ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਮੇਕਅਪ ਲੱਗੇ। ਸੋ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਡਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਕੰਟਿਓਰਿੰਗ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਫੋਰਹੈਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੰਟਿਓਰਿੰਗ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਫੇਸ ਦੇ ਨੀਚੇ ਕੰਟਿਓਰਿੰਗ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬਲੱਸ਼ ਲਗਾਉਂਗੀ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹੀ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਦਾ ਮੈਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੂੰਗੀ, ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਫੇਵਰੇਟ ਬ੍ਰੱਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਬਲੱਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਦਿਆਂਗੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਲੱਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਹਲਕੀ ਹਲਕੀ ਬਲੱਸ਼ ਲਗਾਵਾਂਗੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲੱਸ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਟ ਹੀ ਹੈ ਪੀਚ ਕਲਰ ਦੀ ਬਲੱਸ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ ਹਾਈਲਾਈਟਰ ਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪੁਰਾਣੀ ਕਿੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਊਂਗੀ ਹਾਈਲਾਈਟਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੈਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ।
नैक्सट इस तरह तुम्हें हाईलाइटर लगा लेना जिते तुम ब्लश लगाइए, देखो कि फर्क पै गया, कि सोहना लग रहा। जिधरली साइड आप ब्लश हाईलाइटर का यूज़ नहीं किया वो साइड बिल्कुल सोहनी नहीं लग रही। सो आप दूजी साइड भी है जो हाईलाइटर यूज़ कर लेंगे। इस तरह ये ब्रश है जो हाईलाइटर ये बहुत वधिया लग जाता, देखो कितनी वधिया फिनिशिंग आई है हाईलाइटर की। इस तरह तुम इस एरिया के उपर है जो हाईलाइटर लगा लेना गा। हाईलाइटर तो बिना मेकअप अपना जिहड़ा बिल्कुल अधूरा हुंदा, सो हाईलाइटर लगाउणा बहुत ही जरूरी हुंदा। बाकी तुसीं एक वधिया जी पैलेट लैके रख लिया करो, तो उहदे विच जिहड़े तुहानू जिवें कि मेरी पुरानी पैलेट दे विच सारियां चीज़ां ने ब्लश कंट्योर हाईलाइटर, तुहानू सारियां चीज़ां एक ही पैलेट दे विच मिल जाणगियां। हुण मैं इत्थे अपने फोरहेड दे उपर जाणगे हैड दे उपर थोड़ा जिहा जिथे मैं तुहानू इस तरह हाईलाइटिंग करके दिखा रही हाँ, मैनू बहुत पसंद है अपने नोज़ के उपर तो इस तरह अपने फोरहेड के उपर हाईलाइटिंग करना। सो मैं वध तो वध हाईलाइटिंग करदी हुंदी हां, ज़्यादा भी नहीं ओवर जा भी आपां मेकअप ज़्यादा लगे। सो इस तरह मैं नोज़ के उपर भी हाईलाइटिंग कर लूँगी, तो जिहड़ी नोज़ टिप आ उहदे उपर भी हाईलाइटिंग इस तरह कर लूँगी मैं इस तरह ब्रश की मदद ना। लिप्स के उपर भी है मैं इस तरह हाईलाइटिंग कर लूँगी, तो नीचे भी लिप्स के है देखो इस तरह हाईलाइटिंग कर लूँगी। सो यह वाइट कलर का हाईलाइटर है इस तरह, तो पाउडर वाला ही हाईलाइटर है। वैसे स्टिक वाले हाईलाइटर तो तुहानू लिक्विड हाईलाइटर भी तुसीं जां घरे बना सकते हो, कोशिश करूँगी तुहाडे नाल मैं शेयर करा वीडियो घरे तुसीं हाईलाइटर जिहड़ा लिक्विड वाला किवें बना सकते हो। बट जो आप इस तरह का पूरा मेकअप करते हैं तो मैनूं लगता पाउडर वाले ज़्यादा वधिया रहिंदे आ हाईलाइटर जां कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करदे आ। नैक्सट मैं फोरहेड के उपर जी कंट्योरिंग करनी भुल गई सी, तो नाले अपने फेस के उपर नीचे। सो इस तरह कंट्योरिंग मैं कर लूँगी, ब्रश में मैं नीचे तो थोड़ा जहा फड़िया गा तो फ्लैट जहा लगे तो कंट्योरिंग बहुत वधिया हो जाए। सो बहुत वधिया मेकअप हो गया जी। हुण मैं नोज़ के दोनों साइडों से इस तरह कंट्योरिंग कर लूँगी। तुम चाहो तो फिंगर की मदद ना भी कंट्योरिंग कर सकते हो, बाद ब्रश की मदद ना थोड़ा थोड़ा उन्होंने ब्लेंड कर सकते हो। सो हुण मैं थोड़ा जहा हाईलाइटर का यूज़ होर कर लूँगी, जिवें कि तुहानू पहलां दस्सिया मैंने नोज़ के उपर हाईलाइटिंग करनी बहुत ज़्यादा पसंद है। जो आप पिक्स या सैल्फीज़ इस तरह लैने तो बहुत सोहनी फिर लगती है हाईलाइटिंग की फेस के उपर। सो इस तरह फिंगर की मदद ना मैं हाईलाइटिंग कंट्योरिंग जो सैट कर लिया थोड़ा जहा नोज़ के उपर। नैक्सट है जी, हुण मेरी आईब्रोज़ रह गई सैट करने वाली, ये मेरी फेवरेट पैलेट आईब्रोज़ वाली। ये मैं डार्क ब्राउन शेड लाऊंगी, ये एंगुलर ब्रश मिल जूगा तुहानू, तो मैं अपनी जिहड़ी आईब्रोज़ नूं सैट कर लूँगी। देखो कितना फर्क पै गया, जिधरली आईब्रो आप सैट की है कितनी सोहनी लगती है, तो दूजी नूं भी आप सैट कर लेंगे। इस तरह जिस तरह तुहानू लगता तुसीं शेप बनाउणी है उस तरह आप ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं लगाउणा, बस ये तुसीं ध्यान रखना गा। आईब्रोज़ अपनियां हो गई जी सैट, तो हुण नैक्सट आप लगावांगे लिपस्टिक। लिपस्टिक मेरी सब तो फेवरेट है, तो सब तो ज़्यादा वरतदी हाँ जी मैं लिपस्टिक नूं। वैसे ब्लैक जो आप इस तरह स्मोकी आईज़ बनाने हैं वो जे मैरून कलर की या रैड जे कलर की रैड शेड की लिपस्टिक लगाने हो तो भी बहुत सोहनी लगती है, पर मैनू लाइट या कलर सोहना लग्या ये, तो मैं इस करके ज़्यादा भी लाइट कलर नहीं, बट यदि शेड है थोड़ी जी लाइट जे कलर च आ जाती है। सो मैं इस तरह थोड़े जे अपने लिप्स मोटे बनाने से, तो मैं लिप्स की ज़्यादा शेप नहीं बनाती हुंदी, मैं लिप्स में इस तरह ही है जी नैचुरल जी लिपस्टिक लगानी हुंदी है। इस तरह मैट लिपस्टिक है लैकमी की बहुत वधिया लिपस्टिक है। सो मैं अपने फेस के उपर लिपस्टिक लगा ली है। तो नैक्सट हुण मैं सब तो जिहड़ी चीज़ वास्ते मैं एक्साइटेड सी अज दी लुक दे विच मैं आईलैशेज़ का यूज़ करना सी, तो मैनू बहुत सोहनी लग्या ये जो मैं लुक क्रिएट कर रही थी। तो मैनू ब्लैक सूट तो मेरा बहुत ही पसंद है, तो बहुत ज़्यादा मैनू सोहना लगता मेरा वो वाला ब्लैक सूट जिहड़ा कि अज मैं तुहानू इस लुक के नाल वीयर करके दिखाऊंगी। आईलैशेज लगाउण तो पहला मशकारा जरूर लगाउणा तुसीं दोनों आईज़ के उपर मशकारा लगा के, तो मैं आईलैशेज़ नूं है जिहड़ा बहुत ही मतलब थोड़ा जहा टाइम लगा के, इन्ना भी टाइम नहीं लग्या, बट मैं दोनों आईज़ के उपर सैट कर लिया। सिर्फ गम लगाउणी हुंदी आपां जिहड़ी नाल मिलदी आईलैशेज़ दे, ते आईलैशेज़ ईजीली है जिहड़ियां सैट हो जांदियां। किन्ना सोहना देखो फेस बन गया, मैनूं तां बहुत सोहनी लग रही सी मेरी लुक कैमरे दे विच जदों मैं आईलैशेज़ लगाईआं, क्योंकि किन्ने दिन हो गए सी मैं तुहाडे नाल मेकअप दी लुक शेयर कर रही हाँ। फस्ट टाइम है जिहड़ी अपने चैनल ते मैं वीडियो पाई है जिहदे विच मैं आईलैशेज़ दा यूज़ कीता। ये नॉर्मल आईलैशेज़ है जो मिल जाए पार्टी वेयर लगा सकते हो। इतने मैं ये वाले ईयरिंग कैरी करके देख रही थी भी ये सोहने लगन, बट मैं सोहने नहीं लगे सूट के नाल लुक के नाल। बाकी जिस तरह सोहने लगते उस तरह लुक बना सकते हो। मैं रॉयल जी है जी लुक बनानी सी भी वैडिंग गैसट मेकअप लुक रॉयल बनानी सी थोड़ी जी, इस करके मैं ये थोड़े जे स्टड वाले ईयरिंग आ जाते इस तरह के। सो ये ब्लैक कलर से मेरे को घर पे से ये मैं पहन ले सी। सो मैं इन्नी एक्साइटड हो गई सी ये लुक नू लैके, तो मैं जिहड़ा मेकअप फिक्सर सीगा वो बिल्कुल ही स्प्रे करना अपने फेस पर भुल गई सी। सो
ਸੋ ਆਈਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਈ ਮੇਕਅਪ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਮੇਕਅਪ ਫਿਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸੋ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਕਅਪ ਫਿਕਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਕਅਪ ਸੈਟਿੰਗ ਸਪਰੇਅ ਲਗਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਏਅਰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜੇ ਪਾਊਡਰ ਵਾਲੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬਿਊਟੀ ਬਲੈਂਡਰ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਹਲਕੇ ਹਲਕੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਟੈਪ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੋ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਪਣੀ ਲੁੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਮੇਕਅਪ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਐਂਡ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੁੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਬਿੰਦੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਇਹ ਆਪਾਂ ਰੋਇਲ ਜੀ ਲੁੱਕ ਬਣਾਈਏ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬਿੰਦੀ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਬਾਏ ਬਾਏ।